लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अंबाला के शंभू बॉर्डर पर भारी तादाद में किसान इकट्ठे हुए हैं, जिन्हें रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। और ये हंगामा इतना जबरदस्त हो गया है कि बैरिकेटिंग के बावजूद भी किसानों को रोकने के लिए पुलिस को लगातार कोशिशें करनी पड़ रही हैं। पुलिस भी किसानों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करने पर मजबूर है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। फिलहाल मौके पर भारी हंगामा जारी है। ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस ने सर्दी के इस मौसम में पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और किसान फिर भी रुकने को तैयार नहीं है। आंसू गैस के गोले भी पुलिस को लगातार छोड़ने पड़ रहे हैं, लेकिन किसान हैं कि वो काबू में नहीं आ रहे हैं। वो सिर्फ इस उम्मीद में है कि किसी भी तरह से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा जाए। बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं, हंगामे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार ये हंगामा अब धीरे धीरे आक्रामक रूप लेता जा रहा है। तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किसानों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद दिल्ली की तरफ बढ़ा जाए और जिस घेराव के लिए ये दिल्ली जाना चाहते हैं उसमें ये कामयाब हो पाए। इसी की तस्वीरें हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर पर पुलिस बल लगातार किसानों को रोकने के लिए बल प्रयोग कर रही है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके किसानों को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। बैरिकेड्स तोड़े जा रहे हैं, जो ब्लॉक करने के लिए जो चीज़ें रखी गई हैं या पत्थर के ये जो बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाए गए हैं उनको भी किसानों की तरफ से हटाया जा रहा है। रास्ता खोलने की कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है, लेकिन पुलिस के लिए भी काफी मशक्कत भरा ये काम है किसानों को रोक पाना। इसके लिए उन्हें वाटर कैनन भी चलाना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। तस्वीर भयानक है, खतरनाक है। हम निवेदन करते हैं अंबाला या बॉर्डर के आसपास रहने वाले सभी लोगों से कि वो अपने घरों में ही रहें, जितना हो माहौल को शांति प्रिय बनाने की कोशिश करें, क्योंकि टीवी के माध्यम से, खबरों के माध्यम से एमएचएन प्राइम लगातार ये कोशिश कर रहा है कि आपको सही, सच्ची और सटीक तस्वीरें आप तक पहुंचाई जाएं। बॉर्डर पर जो इस वक्त हो रहा है वो तस्वीरें निष्पक्ष तौर पर आप तक पहुंचे, वो खबर आप तक पहुंचे। और इसी के तहत ये तस्वीरें जहां पर किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं बैरिकेड्स को हटाने की, जो ब्लॉकेज है उसको हटाने की, और पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी तरह से मशक्कत कर रही है कि किसानों को खदेड़ा जाए, उन्हें रोका जाए। तो आपको बता दें ये जो हंगामा हो रहा है ये जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कृषि कानून को पास किया गया है, तीन कृषि बिलों को जो लागू किया गया है उसके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। और ये प्रदर्शन अब से नहीं, पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है। पंजाब में किसान लगातार धरने पर बैठे हुए थे, जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कत का सामना भी करना पड़ा पूरे पंजाब को, जहाँ कोयले की दिक्कत हुई, बिजली की दिक्कत हुई, सामान की दिक्कत हुई। इस बीच अब ये तस्वीरें, क्योंकि किसानों की तरफ से कहा गया था कि अब दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली का घेराव करेंगे, क्योंकि पंजाब में बैठकर उनको किसी बात का हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। सरकार से बातचीत हुई जो कि बेनतीजा निकली। पंजाब के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो पहुंचे थे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने, बावजूद इसके किसान संगठनों के जो नेता हैं, जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं किसान संगठनों का, उन्होंने भी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, बात की, कृषि मंत्री से भी बात की। हालांकि केंद्र की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि आपकी बातों पर या किसानों की मांगों पर गौर किया जाएगा, लेकिन अभी तक की जो बातचीत है किसान संगठनों के बीच में और केंद्रीय सरकार के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में,
वो कहीं ना कहीं बेनतीजा होती हुई नजर आई और जिसको लेकर पंजाब के किसानों में, हरियाणा के किसानों में भी रोष नजर आया। हालांकि हरियाणा की सरकार की तरफ से ये कवायद पहले ही तेज की गई कि जो किसान संगठनों के नेता थे उन्हें हिरासत में लिया गया, हालांकि विरोध उसका भी हुआ। लेकिन आज की यह तस्वीर जहां पर हरियाणा बॉर्डर पर पंजाब के किसानों को रोका गया है ताकि वो आगे न बढ़ पाए।